ये दोनों तस्वीरें यूपी की हैं। एक तरफ बुलंदशहर जल रहा है तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह के साथ गोरखपुर में लेजर शो देखने में व्यस्त हैं। विपक्ष को एक मौका मिल गया है। विपक्षी दलों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जिस वक्त सीएम को बुलंदशहर में रहना चाहिए वो गोरखपुर में क्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को अराजक तत्वों के हवाले कर चुनाव भ्रमण में व्यस्त हैं और कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। कांग्रेस का कहना है कि योगी सरकार आरोपियों का बचाव कर रही है। ये जो हिंसा का माहौल वहाँ बना है, ये कौन हिंसा करवा रहा है? ये 400 लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए पुलिस स्टेशन के बाहर, ये कौन लोग थे? और इनके हाथ में पिस्तौल भी थी, क्योंकि पुलिस कर्मी तो पिस्तौल से मारा गया, बुलेट इंजरी से मारा गया, और साथ साथ में सिविलियन भी इंजर हुए। तो जब 400 लोग एक मानसिक सोच से वहाँ आए और हिंसा उन्होंने करके लोगों को मार दिया, तो उसके पीछे कौन है? और ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? और अगर पुलिस कर्मी की सुरक्षा नहीं हो सकती और लोग पिस्तौल से पुलिस कर्मी को मार दें, तो योगी जी ने तो कहा कि मैं 40 लाख या 50 लाख रुपया दूंगा, वो तो अलग बात है, लेकिन जो 400 लोग हैं उनका बचाव कौन करता है? आपको बता दें कि सोमवार को बुलंदशहर में कथित गौकशी को लेकर हिंसक हुई भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया था, जिसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स भी मारा गया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी ने सुबोध सिंह के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे के साथ ही एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर क्यों नहीं पहुंचे? क्या इस मामले से ज्यादा जरूरी था छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह के साथ बैठकर गोरखपुर में कार्यक्रमों का आनंद लेना? रिपोर्ट।